हमीरपुर जिला में 23 और लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अर्चना सोनी ने बताया कि पॉजिटिव पाए गए लोगों में बड़सर उपमंडल के गांव झिराडली का 36 वर्षीय व्यक्ति और बड़सर के ही गांव बकरो का 26 वर्षीय व्यक्ति शामिल है। ये दोनों लोग असम से आए थे और गृह संगरोध में रह रहे थे। बड़सर के गांव बकरेड़ी के 6 लोग प्राथमिक संपर्क के कारण संक्रमित हुए हैं। इनमें 29 वर्षीय व्यक्ति, 37 वर्षीय महिला, 70 वर्षीय महिला, 18 वर्षीय युवक, 56 वर्षीय व्यक्ति और 11 वर्षीय बच्चा शामिल है। इन सभी लोगों को गृह संगरोध में रखा गया था। चकमो में उत्तर प्रदेश से आए तथा गृह संगरोध में रखी गई 22 वर्षीय महिला भी पॉजिटिव पाई गई है। मेडिकल कॉलेज अस्पताल हमीरपुर से लिए गए 32 और 34 वर्षीय दो महिलाओं तथा 44 वर्षीय व्यक्ति के सैंपल भी पॉजिटिव निकले हैं। नादौन के गांव पंसाई में 38 वर्षीय व्यक्ति, 60 वर्षीय महिला और 95 वर्षीय महिला, टोणी देवी के गांव पंचोत में 50 वर्षीय तथा 28 वर्षीय दो महिलाएं प्राथमिक संपर्क के कारण संक्रमित हुई हैं। त्रिकवाड़ी क्षेत्र के गांव सम्मूताल के 22 वर्षीय युवक हिमुडा कॉलोनी विकास नगर दडूही का 59 वर्षीय व्यक्ति और भारतीय रिजर्व बटालियन जंगलबैरी का 28 वर्षीय व्यक्ति भी पॉजिटिव पाया गया है। दिल्ली से लौटे पटलांदर क्षेत्र के गांव जगरियाल के 25 वर्षीय युवक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सेकेंडरी कॉन्टैक्ट के कारण सुजानपुर के वार्ड नंबर 1 का 38 वर्षीय संक्रमित हुआ है। नादौन के जलाड़ी क्षेत्र के गांव हरमंदिर मंडियाला की 58 वर्षीय महिला भी पॉजिटिव पाई गई है।